चार पार्टी रखेगी, रखी गई पार्टी की तरफ से क्या कहना और क्या लोगों को संदेश देंगे आज की पार्टी के? आज इस इफ्तार पार्टी के साथ साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा गया था और वंचित बहुजन अघाड़ी के नेशनल प्रेसिडेंट माननीय डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर साहब को भी चार्ज चीफ के हमारे साथ में मौजूद थे। आज का इसका प्रोग्राम का मकसद ये था कि जो माहौल चल रहा है देश भर में, मुंबई में रामनवमी के मौके पर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जन्मदिन के मौके पर जो राज ठाकरे ने जो बयानबाजी किया लाउडस्पीकर को लेकर के, एक मुसलमानों के इबादतगाहों को लेकर के, उसका बाद जो हंगामा हुआ देश भर में, मुंबई में भी कुछ जगहों पर जो है माहौल ख़राब हुआ और अभी एकदम लेटेस्ट जो है दिल्ली में जहांगीरपुरा में आपको बताया क्या क्या हुआ, और उसके बाद जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं मुसलमानों के रहाइशों पर, रोज़ी रोटी के ऊपर हर जगह पर, इसको लेकर के मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ देखा जाए तो खामोश थे और नौजवानों को भी ये पता नहीं चल रहा था कि वो क्या जरिया या क्या रास्ता इख्तियार करें। और दिन ब दिन जो है राज ठाकरे जैसे लोगों का जो है बयान दिन ब दिन जो है नफरत अंगेज बयान जारी था और ऐसे हालात में एक गाइडलाइंस जो है लोगों को हम लोग देना चाह रहे थे एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से, इसीलिए हमने आज प्रकाश अम्बेडकर साहब और हम लोग के साथ में एक कम्बाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया गया इस इफ्तार पार्टी के मौके पर। और जो आज जो हमारे नेशनल लीडर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आज जो है जहांगीरपुरा में उनका जो है विजिट हुआ, दौरा हुआ, दौरे के दरमियान जो लोगों का रिहाइश और रोज़ी रोटी का जो नुकसान हुआ है इमीडिएटली उनको जो है मुस्लिम लीग की तरफ से मदद घोषित किया गया और उनके लिए जो है कानूनी लड़ाई मुस्लिम लीग आखिर तक लड़ेगी। ये आज जो है हमारे नेशनल लीडर्स ने ईटी मोहम्मद बशीर साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब्दुल समद समदानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये लोगों ने दिल्ली में डायरेक्ट एरिया में विजिट करके लोगों से मुलाकात किया और उनके जो है इमीडिएटली जो है उनको ये राहत पहुँचाने की बात की। सर कहीं ना कहीं जी 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 हमारे इलेक्शन तो चलो ये एक पॉलिटिकल पार्टीज का एक प्रोसेस है, लेकिन हमारा साथ में आने का मकसद सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं है। साथ में आने का मकसद जो सदियों से जो हिंदुस्तान में जो चला आ रहा है 70 साल से जो है, आप देखिए आज़ादी के टाइम जो है मुसलमानों का सरकारी मुलाजिमत में 32% मुसलमान थे, आज अगर वो देखा जाए तो 1% से भी कम हो गया है। उसके अलावा जो है देश की हालात जो है रोज़ी रोटी और बेरोज़गारी इतना बढ़ चुका है कि आज पूरे दुनिया भर में जो सबसे बड़ा अगर कोई मुल्क है हिंदुस्तान है, भारत है, जिसमें नौजवान तबका सबसे ज़्यादा है। अभी पूरे दुनिया को जो है वर्कफोर्स की ज़रूरत है और यहाँ पर नौजवानों को क्या सिखाया जा रहा है? यहाँ पर नौजवानों को एक तरफ जो है शुरुआत में सरकार ये कहता है कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, उसके बाद में नौजवानों को जो है अंधभक्त बना करके जो है केस में दर्ज हो रहा है, कोई माँ बाप को जो है औलाद जो है मतलब उनका चले जा रहा है, कोई जो है बेवा बन रहा है इसके हाल में क्योंकि इतना दंगा फसाद वगैरह हो रहा है। तो देश को एक कहीं ना कहीं उन्नति पर ले जाने की कोई कोशिश नहीं है। देश दिन भर जो है हर तरफ से माली हालात में वो बेरोजगारी में हर चीज़ में जो नीचे जा रहा है, तो हमारी ये कोशिश थी कि जो मुस्लिम लीग जो है और एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो चला है हिंदुस्तान के अंदर, वंचित बहुजन अघाड़ी मुस्लिम लीग साथ में इसलिए आया है कि एक प्रोसेस, ये जो कंटिन्यूस एक प्रोसेस चल रहा था कुछ तब्दीली इसमें नहीं आ रहा था, हो सके कि हम साथ में मिलकर के एक चेंज लाने की कोशिश के हिसाब से जो है हम लोग साथ में आया। ज़मीनी तौर पर हम लोग जो है लोगों के बीच में जाएंगे और देश के बराबरी के लिए और यहाँ के नौजवानों का तरक्की के लिए हम लोग काम करेंगे। ये इलेक्शन सिर्फ एक प्रोसेस है, वो जब भी होगा कभी लड़ भी सकता है कभी नहीं लड़ सकता है, ऐसा है। मुस्लिम लीग जो है एक बहुत ही साफ सुथरा मतलब टॉलरेंस वाली पार्टी है। आपको पता होगा कि केरला के अंदर कांग्रेस के साथ में 35 साल से जो है हुकूमत में अलायंस में है और 65% ऑफ द रेवेन्यू इज हैंडल्ड बाय द मुस्लिम लीग। एजुकेशन मिनिस्टर हमेशा मुस्लिम लीग का बनता है। अभी जो हमारे ईडी मोहम्मद बशीर साहब जो है
मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन 7 साल रह चुका है, उनके होते हुए केरला के अंदर जो संस्कृत यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया वो पूरे हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी माना जाता है उनको। तो हमारा हिस्से ये जो तरीका है मुस्लिम लीग का, सबको साथ में लेकर चलना। ये सरकार ने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन फसल में अगर आपको सबका साथ सबका विकास ये नारा कहीं भी सच होते हो अगर आपको लगेगा वो केरला के अंदर है। केरला के अंदर इतने साल हुकूमत करने के बावजूद भी, केरला के अंदर RSS BJP कितना कोशिश करने के बावजूद भी जो है नौजवान वहाँ पर दंगे फसाद में नहीं आता है। इसलिए नौजवानों के अंदर एक किस्म का टॉलरेंस जो है मुस्लिम लीग की तरफ से दिया जाता है। MSF है, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, उसके बाद मुस्लिम यूथ लीग है, जिसमें स्कूल से निकलने के बाद यूथ लीग में जो है बच्चे आते हैं वहाँ पर उनको एक एक तरीके से जो है केरला को कुछ तरीके से एस्टिमेशन वगैरह बताने की कोशिश कर किए जा रहा है दूसरी पार्टी वगैरह, लेकिन मुस्लिम लीग के होते हुए केरला के अंदर बहुत ही टॉलरेंस में नौजवान है। और मुस्लिम लीग यहाँ पर भी नौजवानों का अलग अलग स्कीम हमारा चल रहा है, अलग अलग तरीके हम लोग करा रहे हैं, और हम लोग सबसे ज़्यादा जो है एडुकेशन के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे कम्युनिटी के अंदर ड्रॉप आउट ज़्यादा है, इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करके उनको मेन स्ट्रीम में कैसा ले जाया जाए इसका कोशिश हमारी तरफ से पूरा रहेगा। मुस्लिमों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर क्या प्रोग्राम चलाएंगे? हाँ जी, मुस्लिमों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर क्या प्रोग्राम? देखिए, इसके ऊपर हम लोग बहुत ही सोच विचार कर रहा है। हमारे केरला के अलग अलग संस्था जो है हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों में कैंपस स्टार्ट करके एडुकेशन स्टार्ट कर रहा है। अभी यहाँ पर बॉम्बे में भी है, वो चालू किया है, तनल बोल जैसा बोल करके है NGOs है, वो जो है बाहर मुल्कों में आकर के महाराष्ट्र में भी चालू किया है, महाराष्ट्र में अमरावती में हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है टनल के हिसाब से। तो अभी बहुत सारे स्कूल जो है BMC भी का स्कूल जो है यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है। तो हम लोग ऐसा एक स्ट्रैटेजी बना रहा है, पार्टी का नया रिवाइविंग है, ऐसा स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि ऐसे स्कूल जो है लेकर के नाइट स्कूल भी चलाएंगे उसमें, या तो फिर जो है डे टू डे जो स्टडीज़ जो है अगर वो दे सके तो वो भी मुहैया कराएंगे।